मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाने के निर्णय को अभिनंदनीय कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व का ही सुफल है कि अब देश के किसी भी राज्य सरकार को कोविड वैक्सीन प्राप्ति हेतु कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाने का निर्णय सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मंत्र को चरितार्थ करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाने का निर्णय अभिनंदनीय है। इस जनकल्याणकारी निर्णय नवंबर 2021 तक 80 करोड़ देशवासी इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के समस्त लाभार्थियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पूरा देश इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। पहली वेव को पूरी तरह देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने में सफलता के बाद दूसरी वेव ने कुछ समय हमारे लिए भले ही चिंता के लिए एक अवसर दिया हो, लेकिन जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, आज पूरा देश दूसरी लहर को भी पूरी तरह नियंत्रित करने के नज़दीक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा जो वैक्सीन खरीदनी थी और राज्य सरकार को 18 से 44 वर्ष की आयु के युवाओं को वैक्सीन देने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई थी, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थीं जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थीं। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। इसके साथ ही गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का खाद्यान्न पूरे देश के अंदर प्रतिमाह 80 करोड़ लोग प्राप्त कर रहे हैं। हर गरीब के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए संकट के समय किसी भी गरीब को भूखों न सोना पड़े और इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रतिमाह 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा दीपावली तक करने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का जो आह्वान किया है, मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील है कि हम सब उस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन अनिवार्य रूप से है ही, लेकिन हम कोविड टेस्ट से न भागें। दूसरा, वैक्सीन में नंबर आने पर, हमारी पारी आने पर हम वैक्सीन अवश्य लेंगे। किसी भी प्रकार के भ्रामक और अफवाह में पड़ने की बजाय हम वैक्सीन लेकर के सुरक्षा कवच जरूर लें। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रति उत्कृष्ट नेतृत्व और संवेदनशीलता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।